ये सिरोही का बकरी है जी, ये छह दांत का बकरी है जी जी, इसका वजन होगा 50+। 50+ वजन होगा जी। अच्छा, क्या रेट में बिकवाएंगे? सलमान भाई, आपका हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों का एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा आप अपना। जी, मेरा नाम हुआ सलमान जी, घर हुआ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज जी जी, यूपी। अभी कितने संख्या में लेकर के उपस्थित है? अभी हमारे पास पूरा एक गाड़ी माल है। एक गाड़ी लेकर के आए थे? हाँ जी। अच्छा, कितना सेल हुआ अभी तक आपका? अभी तक ये हमारा 20 का ऑर्डर था, जो 20 दे के आए हैं हम बनारस में। अच्छा अच्छा, 20 पीस का जो ऑर्डर था वो 20 पीस बनारस में आप दे दिए जी, जी। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं कि बड़ी बकरियां भी आप लेकर के आए हैं। बड़ी बकरी का हमको ऑर्डर मिला है। अच्छा अच्छा, ये जाएगा थोड़ा रांची जाएगा, थोड़ा पटना जाएगा। ऑर्डर बड़ी बकरियों का भी ऑर्डर आपके पास आ रहा है? हाँ। अच्छा सर, किस तरीके का जो ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं किसान भाई, जैसे बड़ी वाली ज्यादा की छोटी वाली ज्यादा, किस तरीके का डिमांड आ रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, छोटी छोटी बकरी जो है, आदमी छोटी, जैसे जिसके पास छोटी पूंजी है जी, तो वो छोटी ले रहा है, और जो समझदार है तो वो बड़ी बकरी ले रहा है। कि बड़ी बकरी का थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, अगर एक बकरी दो बच्चा दे रही है तो उसका एक साल में 4-5 माल हो जाता है, और ये एक साल का दो बच्चा इसका तैयार होगा। इसीलिए अभी आप गया में कौन सी जगह पे है? ये गया पटना रोड, गया पटना रोड डुमरी गांव में। अच्छा, कोई किसान भाई लेना चाहे आपसे तो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा नंबर है जी, हम लोग अपना नंबर देते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अच्छा, कुछ अपने बकरियों को दिखाइएगा, जो आपके पास बड़ी वाली बकरियां हैं वो थोड़ा सा दिखाइएगा सर। बिल्कुल दिखाएंगे सर। ये सिरोही का बकरी है जी, ये छह दांत का बकरी है जी जी, इसका वजन होगा 50+। 50+ वजन होगा जी। अच्छा, क्या रेट में मिलेगा ये किसानों को? ये सब केजी का सिस्टम है। कैसे केजी? सिरोही गुजरी अजमेरी 450 रुपए के जी। 450 रुपए के जी बेचते हैं जी। अच्छा, इसका थन भी काफी बड़ा है। थन देखिए, दो लीटर दूध होगा इसके पास जी जी, 2 लीटर दूध होगा। हाँ। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है क्या? गाभिन है ये, एक महीने के अंदर बच्चा दे देगी। एक महीने के अंदर बच्चा दे देगी जी जी। अच्छा, जो छोटे वाले बकरियां हैं वो भी थोड़ा दिखाइएगा। बकरी तो मेरे पास एक से एक है जी। मैं आपको एक तोता परी दिखाता हूँ। बिल्कुल, तोता परी दिखाइए। और ये तीनों तोता परी है क्या? हाँ, ये तीनों तोता परी है। अच्छा, ये देखिए बकरी जी, इसको मेवाती बोलते हैं। मेवाती? हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा क्या खासियत है थोड़ा बताइए? ये भी सब एक ही, मतलब जंगल अलग अलग है जी जी, लेकिन स्टेट एक ही है, सब राजस्थान का है। राजस्थान से आप लेकर के आते हैं जी जी। अच्छा, राजस्थान से आप लेकर के जब चलते हैं तो कहाँ कहाँ के किसान भाइयों को आप देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं? जैसे अपना यूपी हुआ जी, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ जी, इस टाइप का जहाँ जहाँ से हमारा कस्टमर ऑर्डर देता है वहाँ वहाँ माल पहुँचा देते हैं, वहाँ पर पहुँचा देते हैं जी। अभी आपके पास कितने संख्या में है सर? अभी हमारे पास पूरा 80 माल है। 80 माल लेकर के आप आए थे? ये देखिए, ये तोता परी का है। अच्छा, 110 पीस लेकर के आए थे आप? नहीं, बकरी बकरी था मेरे पास 101 पीस। बकरी में कम बच्चा आता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए जी, ये ओरिजिनल 100% का है तोता परी। ये तोता परी है? हाँ। इसका क्या रेट इसका होगा? जो है बैठा हुआ रहेगा, ये गाभिन बकरी आपको पड़ेगा 500 रुपए किलो, इसका बच्चा 600 रुपए किलो। 500 रुपए केजी इसका लगेगा गाभिन का? कोई किसान लेगा तो गाभिन का 500 रुपए। हाँ। केजी, ये क्या रेट में देंगे आप? ये जैसे 500 रुपए किलो इसको हम छोड़ेंगे गाभिन बकरी, और जैसे 15+ से 25 बच्चा लेता है जी जी, बोले तो 15 kg से 25 kg का वो 600 रुपए किलो पड़ेगा। अच्छा, किसान इसको कैसे खिलाएंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? राजस्थान के जो हवा पानी है कुछ और है, गर्म है वातावरण, और यहाँ का जो है कुछ और है, तो कैसे किसान भाई सेटलमेंट करेंगे, इसको कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सब समझाइए। ये आप हमारे किसान भाई को दिखा रहे हैं, ये देखिए खाने पीने वाला हर जगह चरेगा जी जी। जैसे सुबह 9 बजे फार्म से छोड़ता है कोई जी, तो ओस सूखने के बाद अगर ओस वाला घास खा लेगा तो मुँह पे दाना आ जाएगा, और मुँह पे दाना आएगा तो बारिश फैलेगा। तो सुबह वाला जो घास होता है उससे बचाव करना है किसानों को। हाँ, 9 बजे के बाद अच्छी तरीके से धूप आ जाए, उसके बाद फिर आप खिला सकते हैं। और जैसे कुछ खिलाने के बाद पानी पिलाए इसको जी जी, अगर खाली पेट पानी पिएगा तो इसके जो है फेफड़े में पानी लग जाता है। अच्छा अच्छा। अरे सर, बहुत सारे अपने राज्य में, बिहार राज्य में बहुत सारे जो है गरीब किसान है। हाँ जी। अगर इस तरीके का लेकर के, नस्ल लेकर के पालन करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसों के लिए करेंगे, ज्यादा पैसों के लिए करेंगे, अपने जो देसी है उसमें ग्रोथ काफी कम देखा जा रहा है, तो इस तरीके से क्या इन जैसे नस्लों को लेकर के किस तरीके से उनको काम करना चाहिए कि उनको बेहतर मुनाफा हो सके, बेहतर कमाई हो सके, इसके बारे में जानकारी? किसान भाई माल ले लेता है जी जी, ठीक है जी, लेकिन पूछता नहीं है। जैसे अगर आधार में कोई दिक्कत आए उसको बार बार पूछिए जी जी, अगर उसका शौक बढ़ेगा तो हम लोगों का धंधा बढ़ेगा, अगर शौक खत्म हो जाएगा, अगर उसको लॉस हो जाएगा तो शौक खत्म होगा, अगर शौक खत्म हो जाएगा तो धंधा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो हमारा तो यही किसान भाई से बात है कि जैसे लेने के बाद उसको 10 दिन तक
उसको पूछते रहे, जैसे ये मारवा चावल का आइटम नहीं खाएगा, अगर खा लेगा तो पेट फूल जाएगा, पेट फूलेगा लेटरिन करेगा मर जाएगा। अभी कितने मेल फीमेल आप लेकर के आए हैं वहाँ से? हमारे पास 20 बकरी गाभिन है प्रेग्नेंट, और जो है 20 पाठी है, और लगभग 40 बच्चा है हमारे पास। इन सारे को वैक्सीन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? वैक्सीन हमारा पीपीआर लग के वहीं से चलता है, लेकिन हाँ यहाँ थकावट वाला हम लोग अपना वैक्सीन लगा के देते हैं। अच्छा, सामने किसान के? अच्छा, सामने लगा करके देते हैं। अच्छा, जो किसान जितनी पीस लेना चाहे ले सकता है, क्या रेट पड़ता है सर सबका? ये सिरोही गुजरी अजमेरी इसका पड़ेगा यूपी में 450 रुपए किलो। यूपी में और जैसे अदर स्टेट में जाएगा तो जो उसका थोड़ा वो चार्ज बढ़ जाए वो नहीं कह सकते। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे किसान जो है चाहते है कि हम अपने फॉर्म पे मंगाए, हम अपने फॉर्म पे बकरियां ले, तो कैसे ले पाएंगे उनसे? कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कैसे वो ले करके अपना वो हमारा नंबर लगाए, उनके सामने गाड़ी उतार देंगे, उनको जितना 20-25-30 माल जो अच्छा लगे आप अपना निकाल सकते हैं। माल निकालने के बाद जो उसका वजन हो, वजन का पेमेंट कर दें, हम लोग निकल जाते हैं। वाली कौन बकरी है सर? ये वाली मेवाती का है। मेवाती? हाँ। अच्छा, मेवाती ये भी देखिए चार दांत का है। अच्छा, मेवाती क्या होता है? मेवाती का मतलब समझाइए। जैसे राजस्थान का जंगल जंगल का बात है, किसी जंगल में कुशावन वाला बोला जाता है, किसी जंगल का सिरोही है, किसी जंगल का गुजरी है, किसी जंगल का बत्तीसा है जी, और किसी जंगल का तोता परी है, ऐसे अपना अपना देहात का जंगल अलग है। अच्छा, वो पीछे वाला कौन है? वो छोटा बच्चा है क्या? ये मेवाती वाला, ये वाला, ये तोता परी का है। अच्छा, ये भी बकरी है ना? हाँ, इसका ये बच्चा है। ये कौन सा है? ये सिरोही का बकरी है। सिरोही का तोता परी से क्रॉस हुआ है, एक अलग तरीके का कलर ये दिखा। हाँ, हाँ। है ना? हाँ, सिरोही का बकरी है, क्रॉस ब्रीड है। हाँ, क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड। और इसका ये बच्चा है। अच्छा, दो बकरा है इसका, ये फर्स्ट बार का है, सेकंड बार बच्चा देगी अभी। सेकंड बार बच्चा देगी। हाँ। अच्छा। ये भी चार दांत का बकरी है। हाँ। और ये आएगा अजमेरी का। अजमेरी? हाँ, इसको बोलते हैं अजमेरी। अच्छा, इसका भी रेट सेम ही है? हाँ। अच्छा, 450 रुपए के जी। ये भी दो दांत का फर्स्ट बार पार्टी है, जन्म देगा। जी जी। ये भी गाभिन है, ये भी प्रेग्नेंट है। हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, कोई किसान भाई लेना चाहे तो ले सकता है? हाँ। अच्छा, इसका जैसा रेट रखेगा, जो मेल का लगेगा वही रेट फीमेल का भी लगेगा? नहीं, मेल फीमेल का एक ही रेट है। जैसे गाभिन प्रेग्नेंट बकरी जो है इसका रेट कुछ कम है, क्योंकि ये वजन में ज्यादा रहता है। अच्छा, बहुत सारे किसान जो है नेपियर बरसीम लगाते हैं अपने यहाँ तो ज्यादातर घास नेपियर जो है बरसात में नुकसान करेगा, लगाते हैं ये सब लगाते हैं, तो क्या ये खा सकती है कि नहीं? हर चीज खाएगा, लेकिन जो नेपियर जो होता है बरसात में वो नुकसान करता है। जी जी। आठ सीजन आप खिला सकते हैं, चने का भूसी खाता है, गेहूं का भूसी खाता है, बर का पत्ता, गूलर का पत्ता, पत्ता किसी का भी पत्ता वो खा लेगा। शाम को इनको डेली जो है, अगर जैसे 10 बकरा लिया है, 100 ग्राम के हिसाब से इसको दाना दें, 100-150 ग्राम। गर्मियों के मौसम में कैसे रख रखाव करेंगे किसान जो अभी इतनी खाली है, इतनी गर्मी है, तो कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, समझाइए थोड़ा। ऐसा है, जैसे गर्मी में किसान भाई लेते हैं जी, बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए इसको, कमरे को एकदम खुला होना चाहिए, जो यानी गैस ना बने। अगर माल में गैस बनेगा तो वो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, उसका नहीं बचेगा, क्यों गैस नहीं बनना चाहिए। जैसे जाली मुर्गे का जैसे फार्म होता है, इस टाइप का गर्मी में फार्म चलता है। अच्छा। हाँ। हवादार फार्म बनाने की जरूरत है, गर्मी दो उसमें दो चार जो है रूम में पंखा लगा होना चाहिए, एयर किट लगा होना चाहिए, जो गैस ना बने। अच्छा सर, कोई किसान अगर मंगाना चाहे, कोई अपने फॉर्म पे मंगाना चाहे, तो मिनिमम कितने मंगा सकता है? जैसे कितने आप लेकर? कम से कम हमारे पास 30 माल का, 20 प्लस का अगर ऑर्डर होगा तो हम उसके फार्म तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर उसको 10-15 माल चाहिए तो उसको हम अपना लोकेशन का एड्रेस बताएंगे। अच्छा, उसको अच्छा। आना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे काफी सारे किसान भाई आ रहे हैं आपके लोकेशन पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कितने दूर से किसान भाई आ रहे हैं? यहाँ से एक अभी आया था आपके सामने, नवादा से। नवादा से? हाँ जी। अच्छा, नवादा यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर। यहाँ जैसे हमारा ये मैन जगह है गया, हम यहाँ से 80-100 किलोमीटर रेंज का हमारे पास कस्टमर आ जाता है। यहाँ जैसे पे आ जाते हैं। पटना हुआ, नवादा हुआ, बजीरगंज हुआ, इस जगह का आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास धोबी का आ जाएगा। अगर लेकर के जाएंगे तो फिर कैसे ले जाएंगे, यहाँ से कैसे ले जाएंगे? जैसे अगर अपना गाड़ी लाता है तो ठीक है, अगर गाड़ी नहीं लाता है तो उसका हम लोग यहाँ साधन कर देते हैं, और जो उसका गाड़ी में कंसेशन होता है वो कंसेशन भी कर देते हैं, करवा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, जो भी जिस तरीके का पसंद करके अपना ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती? एक हमारे पास ये फर्स्ट बार का, ये देखिए जी, बर्बरी का ये। अच्छा। लेकिन 80% का है। पहली बार आप बर्बरी लेकर के आए? हाँ हाँ, ये किसी का ऑर्डर है, बोला भैया एक बकरी हमारा बर्बरी ले आना, हमें हाईवे पे उतार देना। अच्छा, ये भी जो है। हाँ। देखिए दो दांत का है,
फर्स्ट बार का है, ये भी एक एक से डेढ़ महीने में बच्चा दे देगी। अच्छा, इसका हाइट काफी कम है, ऐसा क्यों? ये देखिए, ओरिजिनल बर्बरी जो है एक साल का 25 किलो होता है मिनिमम। अच्छा, इसका कितना वजन होगा अभी? इसका ऐसे होगा 22 किलो 22 केजी होगा। लेकिन ये 80% का है, 100% वाला नहीं है। अगर 100% होगा तो इसका कान खड़ा होगा। हाँ, तो ये 80% का है। 80% है, 100% जो होगा उसका पूरा कान खड़ा होगा। हाँ, तो उसका क्या रेट होगा और इसका क्या रेट होगा? इसका कम है, उसका ज्यादा है। उसका क्या रेट है? उसका 500 रुपए केजी है, इसका 20 रुपए किलो कम है। 20 रुपए किलो कम है। हाँ, अच्छा सर, बहुत सारे किसानों को ये देखने को मिलता है कि जब लेकर के जाते हैं तो सर्दी जुकाम इस तरीके का परेशानी होता है, इस तरीके का प्रॉब्लम उनको हो जाता है, तो ये थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों की कैसे ठीक कर सकते हैं उसको? ये थोड़ा पानी चेंजिंग रहता है जी, जैसे सुबह का पानी शाम को मत पिलाएं, जब भी इसको पानी पिलाएं ताजा पिलाएं, चापाकल का निकला हुआ, कुएं का पानी मत पिलाएं। अच्छा अच्छा, तो इससे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा? कोई परेशानी नहीं, फिलहाल हम लोग तो अपने कस्टमरों को वैक्सीन लगा के देते हैं, हमारे माल में कोई शिकायत नहीं आता। कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अच्छी जानकारी दिए। और दोस्तों, किसान भाइयों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि सर के नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जानकारी लेके आप भी स्पष्ट रूप से बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थोड़ा इधर दिखाइए, ये देखिए हमारे कस्टमर साहब आए हुए, काफी लोग यहां पे आए हैं, और ये सारे लोग इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, ये सारे लोग खरीदारी करने के लिए? हाँ, खरीदारी। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा हम। हाँ। थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, गन्नू बीघा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? गन्नू बीघा गुड्डू कुमार। अच्छा, मेरा घर गन्नू बीघा हुआ जी। सर, ये जो नस्ल है सर, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी, ठीक है सर, पसंद आ रहा है। अच्छा, रेट कैसा लग रहा है सर? इनका जो रेट है वो कैसा आपको लग रहा है, कि ज्यादा है कि कम है? रेट तो थोड़ा बड़े से महंगा हो गया है, थोड़ा रेट महंगा हो गया है। अच्छा, इनसे बोलेंगे कि तो रेट थोड़ा कम कर देंगे? ये ना, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से रेट फिक्स है ना। अच्छा, किलो के वजह से देता है। अच्छा, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो सकता है तो कर सकते हैं। हल्का फुल्का क्या? और लोग भी आए हुए हैं, काफी सारे लोग आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बिट्टू से आए हुए हैं जी। तो ये सब नस्ल सर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फार्म खोले हुए हैं जी। आप खोले हुए हैं फार्म? अपने फार्म पे कितने बकरियां हैं अभी? अभी 18 को है, 18 पीस है अभी। देसी बकरी है। अच्छा, देसी है 18 पीस। अभी जो ये नस्ल देख रहे हैं सर, देसी में तो काफी प्रजनन क्षमता ज्यादा है, बच्चे जो है चार चार पाँच पाँच दे देती है, तो ये जो नस्ल है एक दो बच्चे देती है, तो ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? और ऐसी देखना है कैसा नस्ल है क्या है, उसके बाद सोचते हैं। बच्चे की प्रजनन क्षमता इसमें कम है सर, ये तो जानते हैं कि नहीं जानते? इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। उसमें ज्यादा है। अच्छा, तो ये फिर भी ठीक लग रहा है। इसका वेट अगेन ज्यादा है, इसका ग्रोथ ज्यादा है। उसका वेट कम होता है, उसका वेट कम होता है, इसका ग्रोथ ज्यादा होता है। छोटा छोटा होता है ना, ये बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसका बेसी होता है। अच्छा, इसको भी ले जाकर के आप पालेंगे? आप पालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।